नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने देश में ऐसे सम्मेलनों की मेजबानी करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन चांदी और सोने की प्लेटें पहली बार देखी गई। वे ऑफ इंडिया पर अब क्या कहें, मोदी सरकार बीमार है। शरद पवार ने कहा कि देश में पहले भी दो बार ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। ऐसा एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और एक बार और हुआ था। अब देश में तीसरी बार सम्मेलन हो रहा है। पहले दो सम्मेलनों में दुनिया भर से लोग आए थे, लेकिन तब आज जैसा माहौल नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि किसी सम्मेलन में चांदी या सोने की थालियां थी। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ आने वाले अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, यह इस देश के लिए अहम है। लेकिन इस सम्मेलन का इस्तेमाल बुनियादी मुद्दों की बजाय कुछ खास लोगों की मानता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पवार ने आगे कहा कि यह कितना उचित है, इस पर आज या कल चर्चा होगी, साथ ही लोग इसके बारे में अपनी राय बनाएंगे। इससे पहले शरद पवार ने रविवार को मुंबई के YB सेंटर में पार्टी की बैठक बुलाई थी, जिसमें सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, जितेंद्र अहवाल, रोहित पवार समेत कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के अलावा कई मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में NCP के सभी 19 विधायक शामिल हुए, जो अभी शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को आगे बढ़ाने के रास्ते पर भी चर्चा की। इसके अलावा बैठक में एकनाथ शिंदे सरकार की नीतियों पर जवाब देने, पार्टी की संगठनात्मक संरचना और महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर G20 सम्मेलन के साथ साथ मोदी सरकार और साथ ही साथ चुनाव को लेकर बड़ी बात कहते हुए शरद पवार नजर आए हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।